पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिटेड बाय ऑल द एबव, क्यों? क्योंकि ये सभी जो है, अरे एक मिनट, पॉलीमॉर्फिज्म आइसेलिया लिख रहा है, सी सी एनिमोन हाइड्रा सभी आएगा भाई, सभी सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं, मतलब उसमें मेडुसा स्टेज और पॉलिप स्टेज दोनों होते हैं। ये अलग बात है, कोई एक ज्यादा डेवलप्ड होता है, कोई एक कम डेवलप्ड होता है। हालांकि इसमें देखिए, फाइसेलिया जो है हाइड्रा सी एनिमोन, हाइड्रा जो है पॉलिप स्टेज में ज्यादा डेवलप रहता है, सी एनिमोन भी पॉलिप स्टेज में, फाइसेलिया दोनों में इसे केवल फाइसेलिया दिया है। एक बार के लिए करेक्ट है आंसर, क्योंकि ना भले ही पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज होते हैं हर किसी के पास, लेकिन कोई एक ज्यादा डेवलप्ड होता है या फिर दोनों डेवलप्ड होते हैं, तो फाइसेलिया में दोनों जो है स्टेज क्लियर कट दिखते हैं, इसलिए केवल इसी का आंसर दिया है ये। हालांकि सभी में पॉलीमॉर्फिज्म है, मेडुसा और पॉलिप स्टेज। मोनोएक्सियल हेट्रोपोलर सिमेट्री मतलब ये है कि आप एक दिशा, सॉरी कई दिशाओं में ऐसे काट सकते हैं उसको, तो कई प्लेन में काट सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री। ठीक दिया है आंसर, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, लेकिन हो गया क्लियर। मोनोएक्सियल हेट्रोपोलर सिमेट्री जो कई जगह से कट सकता है, ठीक है। द स्ट्रक्चरलेस नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडम एंडोडम ऑफ निडेरियन इज कॉल्ड मीजोग्लिया। जब मीजोडम नहीं होता है, एक्टोडम एंडोडम के बीच में मीजोडम नहीं है, तो उसके जगह में एक जेली जैसा भरा होता है, उसे मीजोग्लिया कहते हैं। और मीजोग्लिया शब्द जो है सिलेंट्रेटा के लिए है, और मीजोहाइल टर्म पोरीफेरा के लिए है, तो मीजोग्लिया शब्द को ध्यान रखेंगे, जेली जैसा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फाइलम निडेरिया, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल अराउंड द माउथ, प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीजोग्लिया, एग्जिबिशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, मेरे हिसाब से चौथा है, क्योंकि इन्हीं नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस से इसका नाम निडेरिया रखा गया है, तो मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। यस, बाकी तीनों कैरेक्टर भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसके नाम पे निडेरिया फाइलम का नाम रखा गया है। स्पेशियस सेंट्रल कैविटी ऑफ निडेरियन इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन, उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। यस, ये सिलेंट्रॉन है, ये देखिए पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ये होता है आपके पोरीफेरा में, स्यूडोसिलोम होते हैं आपके एस्केल्मिन्थीज में, और स्पंजोसील इसी का नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी का, पूरी तरह। और ये निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रॉन होता है। द एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला एग्जिबिट बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये तो आपका सिलेंट्रेटा में ही है, क्योंकि कुछ पार्ट सेल के अंदर कुछ पार्ट सेल के बाहर डाइजेस्ट हो जाता है, पहले डाइजेस्ट होता है पार्शियल, फिर सेल के अंदर आता है, फिर वो कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन द सर्टेन मेंबर्स ऑफ निडेरिया, जिसमें ये पॉलिप और मेडुसा स्टेज दिखाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन निडेरियन, या यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए, जो अभी हम पोरीफेरा पढ़ रहे थे उसमें बार बार गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को पोरीफेरा में गलत कर रहा था, उसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रॉन को, तो थोड़ा सा वहां पर करेक्शन कर लेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है सिलेंट्रेटा में और पैरागैस्ट्रिक कैविटी है पोरीफेरा में। पैरागैस्ट्रिक कैविटी को वहां पर स्पंजोसील कह रहे थे, और यहां पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सिलेंट्रॉन कह रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नाम को, दो नाम है, कंफ्यूज करेगा ये फिर से। इन निडेरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डिफेंस एडेशन एंड कैप्चर ऑफ प्रे, इनके पास ना तरह तरह के ज्वीड्स होते हैं, ज्वीड्स जो कभी खाना पक लेने में, कभी सुरक्षा करने में, आक्रमण करने में, ये सब में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनमें ये जो सिलेंट्रेटा है ना,
इसका जो मेन एक और जो बात है वो नीडोब्लास्ट है, मैंने इसके बारे में पहले बताया है, नीडोब्लास्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये अपने शिकार में दंश मारता है, उसको बेहोश कर देता है और उसको फिर खा लेता है। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट इन एंडेरियंस आर नीडोब्लास्ट, ये तो बार बार हमने बात किया कि दंश मारता है ये। स्पेशल सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, ये चीजें नहीं है किसमें, निडेरिया में, क्योंकि बाकी में ये चीजें बनने लगे हैं, इसके ऊपर वाले हैं सभी, है ना, तो निडेरिया में कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। नॉन पोलराइज्ड नर्व सेल्स, देखिए ध्यान से, नर्वस सिस्टम पहली बार सिलेंटेटा में ही बना हुआ है, इससे पहले पोरीफेरा या प्रोटोजोआ में नर्वस सिस्टम नहीं है, सिलेंटेटा में पहली बार नर्व्स बने, लेकिन वो नर्व नॉन पोलर थे, उसमें डेंड्रॉन डेंड्राइट्स एक्सॉन ये सब नहीं थे, तो पहली बार वाले निडेरिया में ही बने हैं, पोरीफेरा में नहीं थे, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा तो डेवलप्ड है, इसे पोलराइज्ड रहे। नर्व सेल्स फॉर्म ए डिफ्यूज नर्व नेट, ये फॉर्म है ना, ध्यान रखना फॉर्म रहेगा ये, फॉर्म, नर्व सेल्स फॉर्म ए डिफ्यूज नर्व नेट इन निडेरियंस, डिफ्यूज का मतलब ये है कि बिखरे हुए रहते हैं सेल्स, ये ऑर्गेनाइज होके नर्वस सिस्टम पूरी तरह से नहीं बना पाते, डिफ्यूज रहते हैं। नर्व सेल्स एंड सेंसरी सेल्स फर्स्ट अपीयर इन द मेंबर ऑफ द फाइलम निडेरिया, पहली बार इसी में नर्व सेल्स बने थे, ये क्वेश्चन ठीक है, ये आप क्या आ सकते हैं, क्योंकि ना ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, है ना, पहला वाला जो था इसीलिए वो बन भी नहीं रहा था सबसे मेरे से भी, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं सभी में, एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन अब दिक्कत करने लगेगा आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन निडेरियंस टेक्स प्लेस बाय, जेमेशन यानी जेमा, यस थोड़ा सा ये जेमेशन लिख दिया इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई, जेमा, आपको ध्यान होगा कि प्लांट में हमने मार्केशिया में जेमा कब्स पढ़ा था, उसी तरह के जेमा जेम्यूल्स जो है यहां पर भी आपके जेमा बनते हैं, जेम्यूल्स तो पोरीफेरा में है, जेमेशन यानी जेमा ये आपको सिलेंट्रेटा में है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द निडेरियंस टेक्स प्लेस बाय सिंगेमी, क्योंकि मेल फीमेल गैमिट्स यहां पर बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन सिंगेमी कहलाता है, कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में होता है और पैरामिशियम में, एंडोमिक्सिस पैरामिशियम में, ऑटोगेमी पैरामिशियम में, ये तीनों पैरामिशियम है, पैरामिशियम प्रोटोजोआ है, हम यहां पर सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं। लार्वा इसमें कौन सा है, निडेरियन का लार्वा ये प्लेनुला लार्वा है, ठीक है, ये सभी लार्वा हैं और इकाइनोडर्मेटा है, पोरीफेरा है, इनमें भी लार्वा होते हैं, फिब्लास्टुला पोरीफेरा का लार्वा है। ठीक है, द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉलीप्लॉइड फॉर्म एंड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग मेडुसाइड फॉर्म अल्टरनेट विद ईच अदर इन द सेम निडेरिया, सब निडेरिया, दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इज प्रोड्यूस मेटाजेनेसिस, ये मेटाजेनेसिस कहलाता है, जीवन में पॉलिप और मेडुसा दो स्टेज आते हैं, यही अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहलाता है और उसको, उस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं, ये बहुत अच्छा टर्म है, ये उसमें भी दिया है एनसीईआरटी। द क्लास ऑफ द फाइलम निडेरिया इन विच बोथ सेडेंट्री एंड फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड, हाइड्रोजोआ, यहाँ पर हाइड्रा एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, इस टाइप के एनिमल जो फ्री भी रहते हैं चिपके भी होते हैं, कुछ एनिमल्स इनमें हैं हाइड्रोजोआ में, जैसे ओबेलिया है चिपका रहता है। एक्सक्लूसिवली सेडेंट्री फॉर्म आर इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया है एंथोजोआ, हमेशा उसमें चिपके हुए फॉर्म मिलेंगे, और साइफोजोआ में हमेशा फ्री वाले फॉर्म मिलेंगे, हाइड्रोजोआ में दोनों मिलते हैं, इसमें सिर्फ चिपके वाले, इसमें सिर्फ फ्री वाले। नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ, सभी में रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि ये तो सिलेंट्रेटा का, एक मिनट, नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ साइफोजोआ एंथोजोआ, व्हाई नॉट ऑल,
क्योंकि ये तो मिजे मिजोरम के जगह में होता है भाई, मेरे हिसाब से तो ऑल आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही सिलेंटेटा के मेंबर है तो ऑल होना चाहिए। अब देखते हैं आगे कुछ और समझ में आएगा तो। निडोब्लास्ट अकर इन द एक्टोडर्म ओनली इन द मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ, क्योंकि बाकी के पास जुइट्स होते हैं, इसके पास निडोब्लास्ट है जिससे वो शिकार करता है। ठीक है ये आंसर। जर्म सेल्स आर डेराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म इन द मेंबर ऑफ हाइड्रोजोआ। जर्म सेल्स का मतलब है जिससे आगे चल के स्पर्म और ओवम बनते हैं, वो एक्टोडर्म से बनते हैं हाइड्रोजोआ में, बाकी से वो मीजोग्लिया से बनते हैं, मीजोग्लिया से। एक्टोडर्म मीजो एक्टोडर्म मीजोग्लिया और एंडोडर्म, तो मीजोग्लिया से बनते हैं बाकी हाइड्रोजोआ में एक्टोडर्म से। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कॉमन फीचर हाइड्रोजोअन्स। पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें मेडुसा, पॉलिप और सारे ज्वाइंट्स पाए जाते हैं हाइड्रोजोआ। पार्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है आपका फाइसेलिया। फाइसेलिया को कहा जाता है पुर्तगाली लड़ाकू। एक्चुअली पुर्तगाल एक देश है, भारत में विदेशियों का जो आक्रमण हुआ मुस्लिम आक्रमणताओं के बाद जो है, जब अंग्रेज आए उससे पहले सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डी गामा आपको नाम मालूम होगा, वो पुर्तगाली थे। उसके बाद फिर आए अंग्रेज लोग, फिर फ्रेंच वाले आए, ऐसे करके सब आते गए भारत में। तो पुर्तगाली जो थे उनके सैनिक एक कैप लगाते थे, कैप वैसे ऐसे थोड़ा सा बोट शेप में होता था, नाव के शेप में होता था, और ऐसे लगाते थे, ऐसे ऐसे लंबा नहीं लगाते थे, ऐसे लगाते थे। तो उस शेप का होता है फाइसेलिया, उनके कैप के शेप का, इसलिए इसको पार्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। अब इनमें हाइड्रोजोन्स छाटने हैं, हाइड्रोजोन्स, वो हाइड्रा तो है हाइड्रोजोन, लेकिन फाइसेलिया रोबिलिया एडेमसिया नहीं है ना, इसलिए इसको नाम नहीं दिया, फाइसेलिया रोबिलिया ठीक है, हाइड्रोजोआ ठीक है, हाइड्रा तो है लेकिन एडेमसिया साइफोजोआ का मेंबर है, इसलिए फाइसेलिया रोबिलिया नाम ठीक है, हाइड्रोजोन ठीक है। जेलीफिश साइफोजोआ ठीक है, जिसको ऑरेलिया कहते हैं, ये साइफोजोआ के हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं, मेडुसा स्टेज में होते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जेली लाइक मेसोग्लिया कंटेनिंग अमीबोसाइट इज प्रेजेंट इन। अब ये फिर से साइफोजो आ रहा है, क्योंकि ऑरेलिया जो होता है वो पूरा मेसोग्लिया से ही बना हुआ है लगभग लगभग, इसलिए जेल जैसा दिखता है एकदम, इसलिए जेली फिश कहलाता है। तो साइफोजोआ जिसमें ऑरेलिया आता है। माउथ इज सराउंडेड बाय फोर ओरल आर्म, ये है ऑरेलिया में। अब देखना कि ऐसे ऐसे करते रहते हैं ऑरियल चलते समय, बीच में माउथ है तो उसके चारों तरफ चार टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू स्टमक, गैस्ट्रिक पाउचेस, रेडियल कैनाल्स एंड सर्कुलर कैनाल्स इन साइफोजोन्स। यस, फिर से आ गया वही ऑरेलिया, ऑरेलिया के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये आपको नहीं देखना है, ये क्वेश्चन नॉट इंपॉर्टेंट। मेसोग्लिया इज ए सेलुलर कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू इन द मेंबर ऑफ एंथोजोआ, ठीक है ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड स्टोन कोरल, यस कोरेलियम रुब्रम, रेड स्टोन कोरल, देखिए इसको मूंगा कहा जाता है, ये रत्न जो हम पहनते हैं इसमें एक मूंगा के नाम से आता है, ऐसे लाल लाल ऐसे लकड़ी जैसा दिखता है, उसी को कह रहा है रेड स्टोन कोरल ठीक है। कोरेलियम समुद्र से निकलता है, उसको रत्न के रूप में हम लोग पहनते हैं कोरेलियम को। मोस्ट ऑफ द कोरल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द एंथोजोआ। कोरल कौन है जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मरने के बाद वो इकट्ठा होता है, मैंने बताया था कोरल रीफ बनता है सिलेंटेट और पोरीफेरा के एनिमल्स के द्वारा, तो इसमें एंथोजोआ में सबसे ज्यादा कोरल एनिमल्स है।
द क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया विच इज नॉट कंसर्न विद पॉलीमॉर्फिज्म इन कोरल फॉर्मेशन में है साइकोजोआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. मेंबर ऑफ द क्लास सॉलिटरी मेसोइट हाँ. द निडेरियंस विथ एक्टोडर्मल जर्म सेल्स ऑल्सो पसेस दिस कैरेक्टर नॉन सेलुलर मेसोग्लिया, ये ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है. मेसोग्लिया होता है उनमें मेसेन का बीच में, एक्टोडर्म मेसोडर्म के बीच में, ठीक है. तो इसमें कुछ क्वेश्चन बेकार थे, बाकी लगभग सभी सही थे, बढ़िया क्वेश्चन थे. असल में ये ना सारे स्लाइड्स बने हुए हैं फाइलम वाइज, दो दो तीन तीन प्रकार के स्लाइड फाइलम वाइज बने हुए हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे मत. एक्चुअली एम्स जब अलग से होता था तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते थे. अभी हाइड्रोजोन का अलग से क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है. फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइफोजोन्स, ठीक है. निडेरियंस ठीक है, इसको एक बार देख सकते हैं अपन. द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज फाइसेलिया इज पॉलीमॉर्फिक हाइड्रोजोन, नहीं पॉलीमॉर्फिक तो एंड पॉपुलर इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है ये. इन ऑरेलिया विच इज पॉपुलर इज जेलीफिश द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय मेसेंट्रीज, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है. सम कॉलोनियल एंथोजोन सीक्रेट कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन विच फॉर्म कोरल रीफ, ये ठीक है, एंथोजोन सभी पढ़ा था हमने, कोरल, ये देखो करेक्ट है, ठीक है. थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निडेरियंस, ठीक है. ऑल निडेरियंस सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन विच फॉर्म कोरल्स, नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट, ये तो ठीक है. बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑकर्स, ठीक है. दो और तीन करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, दो और तीन करेक्ट है, क्योंकि सभी के पास कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करने की क्षमता नहीं है, ठीक है. एंथोजोआ ज्यादा सीक्रेट कर रहा है. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निडेरियंस, अकरेंस ऑफ डाइमॉर्फिक बॉडी फ्रॉम फॉर्म इन द लाइफ साइकिल हिस्ट्री इज अ यूनिक फीचर ऑफ सम निडेरियंस, ये तो ठीक लग रहा है मुझे. ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, ऑर्गेन है, ये गलत हो गया. दीज आर द फर्स्ट टू मेटाजोन्स, ये ठीक है, एक और तीन ठीक है, एक और तीन ठीक है, बिल्कुल सही है. लिस्ट है, अब लिस्ट में क्या मांग रहा है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है. हाइड्रोजोआ एनिमल्स, साइफोजोआ, एंथोजोआ, निडेरिया. निडेरिया में तो एनिमल्स की स्टिंगिंग सेल पहला ही आ जाएगा, डी का एक, ठीक है. हाइड्रोजोआ एनिमल है जिसमें मेसोग्लिया नॉन सेलुलर है, ठीक है. साइफोजोआ है जिसमें एमीबोसाइट है, और एंथोजोआ मेसोग्लियल सेलुलर विद कनेक्टिव टिश्यू, ये चार आ गया. तो दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, यस करेक्ट है. फिर से करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं. फाइसेलिया है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, और हाइड्रोजोआ है एक्टोडर्मल गैमेट, क्योंकि एक्टोडर्म से बनता है, बाकी सभी में मेसोग्लिया से बनता है. साइफोजोआ है, साइफोजोआ में आपका ऑरेलिया आता है, उसमें माउथ के चारों ओर ओरल आर्म होते हैं, चार चार पीस है ना, ये ठीक है. और एंथोजोआ मेसेंट्रीज एंड साइफेनो साइफेनोग्लिफ, ठीक है. ये दो तीन चार एक, दो तीन चार एक करेक्ट है. ऑरेलिया है जेलीफिश, ठीक. एडेम्सिया है सी एनिमल, यस. पेनेटुला है सी पेन,
और गार्गोनिया है सी फैन, 4-1-2-3, 4-1-4-1-2-3, ठीक तो है, 4-1-2-3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ये सब नाम एनसीईआरटी में भी है, जो एनसीईआरटी में है वो फटाक से बनेंगे क्योंकि वो सब याद हो चुके हैं लगभग लगभग। ग्रेट बैरियर रीफ पॉलीमॉर्फिज्म, कोरल्स एंड एंडोडर्मल गैमेट्स। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्र है उसके अंदर बहुत बड़े एरिया में ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है, ठीक है, कोरल रीफ। और पॉलीमॉर्फिज्म साइफोजो में सबसे, नहीं एक मिनट, पॉलीमॉर्फिज्म हाइड्रोजो में, ठीक है, कोरल्स तो एंथोजोआ से बना है, अभी आपने देखा था कि सबसे ज्यादा एंथोजोआ वाले बनाते हैं, और एंडोडर्मल गैमेट साइफोजोआ में। तो 2-3-4-1, 2-3-4-1, ओहो लंबा चौड़ा है, तो अब इसको करें। हाइड्रोजोआ में तो एक्टोडर्मल गैमेट है, फाइसेरिया, साइफोजोआ माउथ इसोरान फोरल आर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और इंडिया, एंथोजोआ गैस्ट्रोनस कैविटी ज्वाइंट कंपार्टमेंट ओबेलिया, सभी लग रहा है ऑल एक्सेप्ट थ्री, ये गलत है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो एनिमल का एग्जांपल है वो थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब ये तो वैसी क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इनको ज्यादा करने का। उसी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्लास वाइज दिया है तो क्लास वाइज आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना है क्योंकि क्लासेस नहीं दिया है उसमें, ये ठीक है। एम्स के क्वेश्चन, निडेलियन शो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कंस्ट्रक्शन इन रेडियल सिमेट्री, ये तो ठीक लग रहा है मुझे, पहला पॉइंट ठीक है। द बॉडी वॉल ऑफ निडेलियंस कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड स्ट्रक्चर लेस मेसोग्लियन बिटवीन, एंड द बॉडी कैन बी कट इनटू टू एंटीमियर्स इन एनी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पासिंग थ्रू ओरल एबोरल एक्सिस, दोनों ठीक लग रहा है, ए आएगा आंसर, यस ठीक है। हिंदी मीडियम में कुछ दिन बाद चालू करने वाला हूं मैं, अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है उससे, क्वेश्चन की व्यवस्था कर रहा हूँ फिर चालू करूंगा। सिलेंट्रॉन ऑफ द निडेलियन इज आल्सो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है, सिलेंट्रॉन इज यूजफुल फॉर डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये तो यही ठीक है, कैविटी है बीच का। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया इंक्लूड्स मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस तो नहीं है इसमें, इन ओबेलिया लाइक हाइड्रोजोन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मेडुसाइट फॉर्म अल्टरनेट विद द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉलीपाइड फॉर्म, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया इंक्लूड्स मेटाजेनेसिस, क्योंकि मेडुसा और ठीक है, ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजोआ का मेंबर है ना ओबेलिया, हाइड्रोजोआ में दोनों स्टेज आते हैं मेडुसा और पॉलिप स्टेज, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। फाइसेलिया एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, फाइसिलस सो मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूट इन कॉलोनी, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म में डेक्टाइलो ज्यूट, गैस्ट्रो ज्यूट और गोनो ज्यूट सब बनते हैं, ज्यूट्स मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, ठीक है। रिगार्डिंग डाइजेशन, निडेरियंस रिसेम्बल बोथ द प्रोटोजोअन्स एंड मेटाजोअन्स, प्रोटोजोअन एंड मेटाजोअन, ठीक है, क्योंकि आधा डाइजेशन सेल के अंदर आधा डाइजेशन सेल के बाहर, ये तो ठीक है। निडेरियन शो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये भी ठीक है, मेरे हिसाब से तो ए आंसर आना चाहिए इसका, ये देखो ठीक है। क्या होता है देखिए कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं अमीबा वगैरह, ये सेल के अंदर खा लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, तो इंट्रासेलुलर हुआ, और हम लोग मेटाजोअन लोग क्या करते हैं, पहले डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फिर खाते हैं सेल्स हमारे, तो दोनों को रिसेम्बल करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गेन्स आर वेल डेवलप्ड इन ऑल निडेलियंस, नो
वो पाले पे मेडुसा स्टेज है, स्टेटोसिस्ट, दोनों गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि स्टेटोसिस्ट ना मेरे हिसाब से सिर्फ मेडुसा में है, पॉलिप में नहीं है। यस ठीक है, तो मतलब दोनों गलत हो गया। इन अदर नेम ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लोबेलिया इज मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन इसके भी ठीक थे, है ना? तीनों फोरा के क्वेश्चन आ गए, तीनों फोरा जो एक माइनर फाइलम है। ठीक है, तीनों फोर्स आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स। इनको सी वॉलनट कहा जाता है क्योंकि इनका शेप वॉलनट के आकार का होता है। इसमें से एक बेरोय वगैरह है, उनको कैट्स आई कहा जाता है, कुछ को सी गूजबेरी कहा जाता है क्योंकि आंवले जैसा दिखते हैं। बायोलुमिनिसेंस पाया जाता है प्लूरोब्रैंकिया में, ये कहलाता है आपका सी गूजबेरी। इसमें चमक रहता है, रात में चमकता है, इसलिए कैट्स आई भी कहते हैं इनको, चमकता है रात में करके। टिनोफोर्स डिफर फ्रॉम निडेरियंस बाय द प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब ब्लेड्स। इनके शरीर में ऐसे कंघे जैसे प्लेट्स रहते हैं, बाहर में 8 प्लेट्स होते हैं जनरली। ए फीचर ऑफ टीनोफोर इज लोकोमोशन बाय सीलिएटेड प्लेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोरा की। अभी मैंने बताया था कॉम्ब प्लेट्स, उसी से ये सीलिया के द्वारा मूव करते हैं। टीनोफोर शेयर मोर सिमिलरिटीज विद द मेंबर ऑफ निडेरियंस, क्योंकि ये ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सिलेंट्रेटा से मिलते जुलते हैं, निडेरियन से मिलते जुलते हैं। ए टीनोफोर इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइट, कोइनोसाइट, कोलोब्लास्ट, स्पंजोसील। सी आंसर आना चाहिए, कोलोब्लास्ट। यस, ये क्या करता है, कॉम्प्लेट डेवलप करता है शरीर में, कोलोब्लास्ट। ये सिर्फ टीनोफोरा में है क्योंकि कॉम्प्लेट उसी में है। ठीक है, टीनोफोर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बायोलुमिनिसेंस, ये इसी में चमक होती है, मैंने अभी बताया था, रात में चमकते हैं। साइडिपीड इज द लार्वा ऑफ टीनोफोर। साइडिपीड लार्वा होता है टीनोफोर्स का। नॉट इट फीचर ऑफ द टीनोफोर्स, सीलेटेड कॉम्प्लेट है, बायोलुमिनेसेंस है, इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है, ये भी रेडियल सिमेट्री है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बाकी सभी है, क्योंकि ये भी रेडियल वाले हैं। रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से भी काट सकते हो, लेकिन बाइलेटरल में सिर्फ एक दिशा से काट सकते हो। जैसे स्टार फिश को लीजिए, स्टार फिश को कहीं से भी काटोगे तो दो बराबर भाग में कट जाएगा, रेडियल सिमेट्री। हमारा शरीर है, मानव शरीर, ऐसे काटोगे तो दो बराबर भाग में कटेगा बस, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है, तो ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं। इन द टीनोफोर्स लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स आर कॉम्प्लेक्स, इसके द्वारा ये सीलिया के द्वारा मूव करते हैं। खत्म। और कुछ क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चन और हैं तीनों फोर्स के। हाँ, एम्स जैसा है, ऐसा सॉल्यूशन। तीनों फोर्स आर सिमिलर टू द निडेरियंस इन सर्टेन कैरेक्टर्स एटलीस्ट वन फीचर। ठीक है, बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ये आएगा, क्योंकि दोनों फीचर जो हैं निडेरियंस यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरंस दोनों में होता है। टीनोफोर्स एग्जिबिट बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, देयर बॉडी शो 8 सिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर बी आएगा।
ये चमकते भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो बी आंसर आना चाहिए। यस, चमकते इसलिए हैं क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, वो ऑक्सीडाइज होता है ल्यूसीफेरेज एंजाइम से तो चमकता है। टीनोफोर्स आर इंक्लूडेड अंडर द ग्रेड रेडिएटा, ठीक है। देयर बॉडी पार्ट्स एंड द सीरिएटेड कॉम्प्लेक्स आर रेडियली अरेंज्ड अराउंड द ओरल एबोरल एक्सिस, ये आंसर आना चाहिए क्योंकि रेडिएटर का मतलब है रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी आप काट सकते हो क्योंकि सभी चीजें बराबर दिशा में लगे हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइरेडियल सिमेट्री, यानी दो जगह से काट सकते हो और नीडोब्लास्ट नहीं है। ये है हार्मीफोरा एंड बेरोए, ये दोनों एनिमल है टीनोफोरा के, बेरोए बहुत कॉमन एनिमल है। रिट्रेक्टाइल टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन, पहला आना चाहिए मेरे हिसाब से प्लूरोब्रेंकिया, बोथ एंड वन एंड टू, सी कुकुम्बर, ये तो आपका आता है इकाइनोडर्मेटा में और ये आता है टीनोफोरा में, तो दोनों के पास टेंटिकल रिट्रेक्टाइल है, मतलब टेंटिकल को अंदर कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, तो दोनों के पास है लिख रहा है, तो आप दोनों को करेंगे। बायोलुमिनिसेंस आर एग्जिबिटेड बाय इज एग्जिबिटेड बाय टीनोफोरा एंड जेलीफिश, रात में चमकते हैं। अब आ जाता है प्लेटी हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ में स्यूडोसिलोम होता है, आपको पता होगा, सॉरी एसिलोमेट है, आपको ये ध्यान रखना है एसिलोमेट है। द टर्म प्लेटी हेलमिंथ वॉज क्वाइंड बाय गेगेनबार, ठीक है ये तो ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल है, प्रोटोस्ट टोमिएट है, एसिलोमेट एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड फ्लेट वर्म्स, ये प्लेटी हेलमिंथ का एग्जाम्पल है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार आया है, बाइलेटरल पहली बार दिखेगा आपको, एसिलोमेट एनिमल है, बाकी सभी सिलोमेट है, ये वाला भी एसिलोमेट है लेकिन ये सिलेंट्रेटा है, ये स्यूडोसिलोम वाला है, ये क्रूसिलोम है नेलिडा। मॉडरेट सिफेलाइजेशन एंड यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एसोसिएटेड विद बाइलेटरल सिमेट्री इज फर्स्ट सीन इन प्लेटवर्म्स। मॉडरेट सिफेलाइजेशन का मतलब होता है सिर का बनना, मॉडरेट मतलब मध्यम सिर बना हुआ है, मतलब सिर स्पष्ट रूप से नहीं बना हुआ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स, 2 मिनट समय देंगे वॉशरूम के लिए, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक यानी जिसमें मिजोरम पहली बार बना, बिलोंग टू द फाइलम कॉल्ड प्लेटीहेलमिन। इससे पहले दो फाइलम थे, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, दोनों में डिप्लोब्लास्टिक था, मिजोरम नहीं था, यहां पर पहली बार बना है। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो फ्लेटवर्म आएगा। ट्रू मसल टिश्यू वॉज फर्स्ट अपियर्ड इन, ट्रू मसल टिश्यू, मसल्स पूरी तरह से बने नहीं लेकिन मस्कुलर सेल्स मायोसाइट्स बने थे फ्लेटवर्म्स में। द फ्लेटवर्म्स द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज फिल्ड विद द टिश्यू कॉल्ड मिजोडम, क्योंकि अब मिजोडम एक मिजेनकाइमा गलत दिया है, मेजेनकाइमा है आपके पोरीफेरा में, यहां पर तो मिजोडम आ गया ना भाई, मिजेनकाइमा क्यों लिखेंगे, पर मिजोडम है। अब यहां पर मेसेनकाइमा फिर से टर्म लिख दिया, ये मेसेनकाइमा मेसेनकाइमा को अलग अलग कर दिया है ये, इसलिए मेसेनकाइमा कह रहा है। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन भी ठीक है, इससे पहले वाला भी। अब मेसेनकाइमा ही याद रखिए, क्योंकि उसी को जो मिजोडम से पैदा हुआ है उसी को मेसेनकाइमा कह रहा है, मेसेनकाइम नहीं है, काइमा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं भी ध्यान नहीं दिया, वो मेसेनकाइम है वहां पर पोरीफेरा में। यहां पर मेसेनकाइमा पेरेनकाइमा प्लेटफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मिजोडम, ये देखिए अब क्लियर है, बनता मिजोडम से, कहते मेसेनकाइमा है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अपीयर्ड इन, देखिए ये ठीक है, आपको बता दें, ध्यान से सुनिए, प्रोटोजोआ में एक सेल है, पोरीफेरा में एक से ज्यादा सेल है लेकिन टिश्यू नहीं है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू है लेकिन ऑर्गेन नहीं है, प्लेटीहेलमिंथ में ऑर्गेन है लेकिन ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, फिर ऑर्गेन सिस्टम बना आपकी पहली बार एस्केल्मिंथिस में, जिसको हम कहते हैं निमेटोडा। तो ये आंसर एकदम करेक्ट है कि यहां पर ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम दोनों निमेटोड में पहली बार बने। स्यूडो मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय सेस्टोडा, सेस्टोडा क्लास है प्लेटीहेलमिंथ और इसमें रहते हैं टीनियासोलियम, जिसको अपन टेपवर्म भी कहते हैं, उसकी बॉडी देखना ऐसे सेगमेंटेड दिखेगा आपको, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ट्रू सेगमेंटेशन पहली बार एनेलिडा में बनेगा, एनेलिडा में प्लेटीहेलमिंथ, उसके बाद एस्केल्मिंथिस, उसके बाद एनेलिडा, वहां पर ट्रू सेगमेंटेशन आएगा, यहां पर एक फॉल्स सेगमेंटेशन है। सेस्टोडा, सेस्टोडा इज द क्लास एंड द टीनियासोलियम टेपवर्म इज द मेंबर, तो उसमें सेगमेंटेड बॉडी दिखेगी आपको लेकिन ट्रू सेगमेंट नहीं है। फ्लेटवर्म में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, या उसी को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालने वाले सेल्स हैं प्लेटीहेलमिंथ के, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है ये। ठीक है, और यहां से ऐसे सीलिया लटके होते हैं, यहाँ पर सीलिया लटके होते हैं और ये इसे फ्लेम के जैसे से हिलते दिखते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल्स है। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर, एक बात ध्यान रखेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। तो किसी भी एनिमल के शरीर में जो ऑर्गन एक्सक्रीशन का काम करता है वही ऑर्गन ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करता है, जैसे हम लोगों में किडनी काम करता है, किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को बाहर निकालता है और एक्स्ट्रा पानी पीते हैं तो उसको भी ये यूरिन से बाहर निकालता है। तो चूंकि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स हैं तो यही वो काम करेगा ऑस्मोरेगुलेशन का। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन फ्लेटवर्म्स, क्योंकि पहली बार नर्वस सिस्टम बनता हुआ दिखेगा, तो दो गैंग्लियन है, इसमें से ऐसे वेंट्रल नर्व कार्ड निकलते हैं और ऐसे करके ये कनेक्टिव द्वारा जुड़े होते हैं, तो लेडर लाइन सीढ़ी जैसा, सीढ़ी होता है ना लेडर, ऐसे घरों में लगाते हैं। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लिवर फ्लूक द स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूसेस मैनी रेडिया स्टेजेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, सॉरी एक मिनट, पॉलीएम्ब्रियोनी ठीक है,
पार्थेनोजेनेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एग फर्टिलाइजेशन के बिना अगर एम्ब्रियो बनाती है तो वो पार्थेनोजेनेसिस है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पहले लीवर फ्लूक जिसको अपन कहते हैं फेस्टुला हिपेटिका, इसके लाइफ साइकिल में मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्केरियल लार्वा और मेटासर्केरियल लार्वा 5 स्टेज आते हैं, और ये एक दूसरे से प्रोड्यूस होते जाते हैं। इनकी बॉडी में जर्म सेल्स होते हैं जो ये लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं, तो एक प्रकार से वो कई एम्ब्रियो रहते हैं उनके शरीर में इन लार्वा के समय। जैसे रेडियल स्पोरोसिस्ट के अंदर रेडियल लार्वा के जर्म सेल्स रहेंगे, रेडिया के अंदर अगले रेडिया का या सर्केरिया का, ऐसा। दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनिज, करेक्ट है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फ्री लिविंग फ्लैट वर्म्स वेयर इंक्लूडेड इन द क्लास टर्बिलेरिया। देखिए फ्लैट वर्म्स दो प्रकार के हैं, या तो फ्री लिविंग है हिंदी में, बाद में पढ़ाऊंगा, बताया हूं बेटा मैं, अभी मेरे पास क्वेश्चन तैयार नहीं है। अरे यार क्या हो गया, देखिए फ्री लिविंग फ्लेट वर्म या तो फ्री लिविंग रहेंगे या पैरासाइटिक रहेंगे। फ्री लिविंग में आपका एक आता है प्लेनेरिया, जिसका नाम है ड्यूजेशिया या प्लेनेरिया, जिसमें रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो टर्बिलेरिया में फ्री लिविंग आते हैं। फ्लेट वर्म्स विथ सीलिएटेड एपिडर्मिस, जो मुक्त रूप से रह सकते हैं और जो तैर सकते हैं, तो टर्बिलेरिया आएगा इसमें भी, जैसे प्लेनेरिया है ना। एपिडर्मल सेल्स कंटेन रॉड शेप्ड म्यूकस फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड रेप्टाइडीज। अरे यार ये तो ज्यादा डेप्थ में बता रहा है, अब ये एनसीईआरटी से बाहर हो रहा है, कोई बात नहीं। टर्बिलेरियन है जिनमें रॉड शेप म्यूकस फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। इन द टर्बिलेरियंस लोकोमोशन इज फैसिलिटेड बाय म्यूकस एंड सीलिया, दोनों चीजें होती हैं टर्बिलेरिया में, जैसे ड्यूजेशिया है प्लेनेरिया। फेरिक्स इज इवर्सिबल इन द फॉर्म ऑफ प्रोबोसिस इज टर्बिलेरिया, क्योंकि ऐसे फेरिक्स को से बाहर निकाल के भोजन को पकड़ के अंदर खाते हैं, फ्री लिविंग है ये। प्लेनेरियंस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल थ्रू मल्टीपल फिशन एंड रीजनरेशन। यस, यहाँ पर रीजनरेशन सबसे ज्यादा सही है। मैंने अभी बताया था कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर आप उसके 10 टुकड़े भी कर देंगे तो 10 प्लेनेरिया पैदा हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे सर ये मरते कैसे हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशन आने पे मरते हैं, जब पानी सूख जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ये मर जाते हैं। ऐसे अगर फेवरेबल कंडीशन में आप करेंगे तो जितने टुकड़े करेंगे उतने से नए बन जाते हैं, इसलिए रीजनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये टर्बिलेरियंस में है। प्लेनेरिया इसका अगर आप देखेंगे तो इसका इंटेस्टाइन ऐसे बाइफर्केट हो जाता है और फैल करके पूरे बॉडी में सप्लाई देता है, अलग से कोई इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। फ्लूक्स जैसे कि लिवर फ्लूक है, ये आता है ट्रिमेटोडा में, और टीनियासोलियम आता है सेस्टोडा में। निमेटोडा तो अगला फाइलम है, ये फ्लेटवर्म नहीं है। द नंबर्स ऑफ सकर्स प्रेजेंट इन अ टिपिकल ट्रिमेटोडिस टू, एक ओरल सकर होता है एक वेंट्रल सकर होता है, दो होते हैं शकर। जैसे कि आप लिवर फ्लूक को देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लिवर फ्लूक का दिखता है, ऊपर एक शकर दिखेगा, एक बीच में यहां पर शकर दिखेगा। वेंट्रल शकर ऑफ द ट्रिमेटोड इज आल्सो कॉल्ड एसिटाबुलम, जो साइड में दिखाया आपने वो एसिटाबुलम कहलाता है, वो चिपकने के लिए, एक चिपकने के लिए, एक चूसने के लिए। एंटेरियर माउथ एंड बाइफर्केटेड इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन ट्रिमेटोड्स,
फेस्टुला हिपेटिका में देखेंगे तो ऐसे करके फैल जाएगा, दो भाग में बांट करके सप्लाई देगा। लिवर फ्लुकिस फेस्टुला हिपेटिका, सिनसाइटल साइटोप्लाज्मिक लेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ टैपवर्म इज कॉल्ड कोरोना, नहीं टेगोमेंट, ठीक है, नहीं पता था मुझे। द सिनसाइटल साइटोप्लाज्मिक लेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ टैपवर्म इज कॉल्ड टेगोमेंट, ठीक है, स्किन का ही नाम रखा है टेगोमेंट। द फ्लेटवर्म विदाउट टेगोमेंट्स आर टर्बिलेरियंस, क्योंकि ये देखिए जब ये किसी के शरीर के अंदर रहते हैं ना पैरासाइटिक फॉर्म में, तो इनको सुरक्षा के लिए एक लेयर की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये फ्री लिविंग रहते हैं तो इनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो टर्बिलेरियंस के पास नहीं है। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल फेस्टुला हिपेटिका इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड द प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग स्टेज रेस्पेक्टिवली। देखिए फेस्टुला हिपेटिका भेड़ के शरीर में पाया जाता है, भेड़ के गॉल ब्लैडर में, लिवर में। इसके अंडे बाहर आते हैं मल पदार्थ के द्वारा, फीकस के द्वारा, पानी में। अंडे से निकलता है मीरासीरियम लार्वा, पानी में तैरते रहता है, फिर वो ना स्नेल के अंदर घुस जाता है मीरासीरियम लार्वा। तो स्नेल जो होते हैं जैसे बुलिनस है, प्रेनॉर्बिस है, ये स्नेल है, जैसे घोंगा होता है ना पाइला वैसा। तो ये जो स्नेल है ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, उसमें इन्फेक्ट किया मीरासीरियम लार्वा, फिर उसके अंदर वो बदलता है स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, फिर बाहर आके मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया जाता है भेड़ में। तो मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करता है इंटरमीडिएट होस्ट को और मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्ट करता है मेन होस्ट को। ये देखिए मीरासीडियम एंड मेटासर्केरिया, इसके लाइफ साइकिल में 5 लार्वा होते हैं। देखिए एम्स का क्वेश्चन है ये, हेक्साकेंथ स्टेज अकर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टीनिया सोलियम टेपोम, ठीक है, टीनिया सोलियम टेपोम। सिस्टी सर्कस लार्वा ये भी मिलता है आपको टीनिया सोलियम में, ठीक है, ये सब लार्वा के स्टेज है। टीनिया सोलियम को टीनिया सोलियम रहता है मानव में और इसका इंटरमीडिएट होस्ट है पिग, सुअर, ठीक है, तो सुअर के मांस में रहता है, तो पार्क कहते हैं सुअर के मांस को, पार्क कहते हैं, पार्क, तो ये पार्क टेपोम है टीनिया सोलियम। और एक होता है टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा वो गाय बैल भैंस यानी कि बीफ, बीफ में रहता है, तो टीनिया सेजिनेटा बीफ है, टीनिया सोलियम पार्क है सुअर के मांस में। द प्लेटवर्म्स विथ सीलिएटेड एपिडर्मिस ऑल्सो पसेस दिस कैरेक्टर, द फ्लेटवर्म्स विथ सीलिएटेड एपिडर्मिस, सीलिएटेड ठीक है, प्लेनेरिया, ऑल्सो पसेस दिस कैरेक्टर। टू सकर्स नहीं, एंटीरियर माउथ यस, बॉडी कवर्ड बाय टेगोमेंट नो, रेप्टाइटिस इन द एपिडर्मल सेल यस, ये ज्यादा ठीक है, रेप्टाइटिस इन द एपिडर्मल सेल। डॉग टेपोम इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ये डॉग टेपोम हमने देखा था ना, ये पार्क है, ये बीफ है और ये डॉग है, ये किसके में आता है ये ध्यान में, ठीक है। कुछ स्लाइड्स और कर लेते हैं अपन, प्लेटीहेल्मिन पे और है स्लाइड्स, पंद्रह सोलह क्वेश्चन है इसमें, कर लेते हैं फटाफट। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लेटवर्म, फ्लेटवर्म्स कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू द मीडियन सेजाइटल प्लेन ओनली, यस, ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। ब्रेन फर्स्ट अपियर्ड इन द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन, ये भी ठीक है क्योंकि उसमें गैंग्लिया बनते हैं। इन फ्लेटवर्म्स बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, ये गलत है, प्लेटफॉर्म में सिर्फ माउथ होता है एनस नहीं, इसलिए ब्लाइंड सैक है। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर और फ्रेम सेल्स यस, 1 2 4, 1 2 4
यस, तीन नहीं है, बाकी सभी हैं, सही है। ठीक है, प्रेटी हेलमिन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री लिविंग फ्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय टेगोमेन, म्यूकस सिक्रेटिंग रेप्टाइटिस आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स, प्लेन रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली थ्रू रीजनरेशन, प्रोकोपोर लार्वा इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल। क्या पूछ रहा है? करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो थर्ड वाला तो ठीक है, और सेकंड वाला भी ठीक लग रहा है मुझे, सेकंड और थर्ड ठीक है। यस, बाकी गलत है, टेगोमेन नहीं होते, वो पैरासाइटिक में होते हैं, और ट्रोकोफोर लार्वा भी पैरासाइट में होता है, टिनिया सोलियम में। ट्रिमेटोड्स, ट्रिमेटोड में कौन है? फेशियल हिपेटिका है ना, ठीक है। सीलेटेड एपिडर्मिस तो नहीं होना चाहिए इसमें, एक मिनट, ट्रिमेटोडा टर्बिलेरिया, ठीक है, हाँ नहीं होना चाहिए ना, करेक्ट का माउथ इज एंटेरियर एंड द इंटेस्टाइन इज बाइफर्केटेड, ये तो ठीक है। टू सर्कस आर प्रेजेंट, ये भी ठीक है। सिस्टी सर्कस लार्वा इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, टू और थर्ड ठीक लग रहा है मुझे, यस, क्योंकि सिस्टी सर्कस लार्वा टीनिया सोलियम में है, सेस्टोडा में, और ये फ्री लिविंग में, सेकंड और थर्ड। प्लेटफॉर्म्स, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, यस। रेस्पिरेटरी रेसर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, नो। एक्सक्रीशन टेक्सुलर फ्लेम सेल, यस, एक और तीन, यस, ठीक है। दे शो डिस्टिंक्ट सिफेलाइजेशन एंड मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम नहीं है। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिपल ब्लास्टिक एसियोमेट, ये ठीक है। दे शो डिस्टिंक्ट सिफेलाइजेशन मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, एक और तीन करेक्ट है, ओनली टू एंड थ्री करेक्ट। ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, गलत दिया है, फ्लेटवर्म में ऑर्गेन सिस्टम नहीं है भाई, सिर्फ ऑर्गेन है, ऑर्गेन सिस्टम निमेटोड में आते हैं, ये आंसर गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, एक और तीन, ये आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा इसका। फ्लेटवर्म्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन द ट्रिमेटोड्स, नहीं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो आपके पिछले फाइलम में था। टेपोम एग्जिबिट स्यूडो मेटामॉरिज्म, टेपोम ठीक है, स्यूडो मेटामॉरिज्म है, खंड खंड में बटा रहता है। टर्बिलेरियंस आर कवर्ड बाय सिलेटेड एपिडर्मिस, ये ठीक है, सेकंड और थर्ड ठीक लग रहा है मुझे, यस। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेस्टोडा यानी टीनिया सोलियम, इंक्लूड्स बोथ एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, नो। टेप वर्म एग्जिबिट स्यूडो मेटाबॉलिज्म, यस। माउथ एंड गैस्ट्रोएसोफेगियल कैविटी आर प्रेजेंट, नो नो, इनके पास माउथ नहीं होता, कैविटी नहीं होता है, डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। हेक्साकेंथ स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, ये ठीक है, टू एंड फोर, ऑल एक्सेप्ट वन गलत दिया है, ऑल एक्सेप्ट वन गलत है, टू और फोर सही है। माउथ और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एब्सेंट ही है, ठीक तो है, एब्सेंट है, नहीं होता है, मैं प्रेजेंट पढ़ रहा था इसलिए, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, एब्सेंट है। ड्यूजेशिया है प्लेनेरियंस, फेशियोला हिपेटिका है लिवर फ्लूक, सिस्टोसोमा हिमेटोबिक्टोरियम है ब्लड फ्लूक, इकाइनोकोकस है डॉग टेपो, और टीनिया सोलियम है पॉट टेक। 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1, 3 5 4 2 1 करेक्ट है, मैच। सेस्टोडा ट्रेमेटोडा एसिटाबुलम, ठीक, एसिटाबुलम है वेंट्रल सकर, तीन आ गया। ट्रिमेटोडा है सेस्टोडा में सिस्टी सर्कस लार्वा, टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा में है मीरासीडियम लार्वा, है ना, तो ये आ गया सेकंड, 2 1 4 3,
2143 करेक्ट है, मुलर्स लार्वा टर्बिलेरिया में। टर्बिलेरिया सिस्टोरा टेमेटोडा बोथ्रीडिया, अब इनको मत पढ़ो, ये बेकार क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं। करेक्ट पूछ रहे हैं, टर्बिलेरिया सिलेटेड माउथ इज वेंट्रल फेशियोला सेस्टोडा स्यूडोमेटाबॉलिज्म टीनिया, ये ठीक है, माउथ नहीं है इसमें, तो माउथ तो वेंट्रल नहीं है, माउथ तो टिप में है, टिमेटोडा में ये गलत है। एक मिनट क्या लिखा है, ऑल द अबव क्या लिखा है, करेक्ट पूछ रहा है ना, माउथ इज वेंट्रल ठीक तो है, वेंट्रल सकत ये ठीक है, ये भी ठीक है, टर्बिलेरिया सिलिएटेड एपिडर्मिस ड्यूडेशिया ये भी ठीक लग रहा है, ऑल देव आना चाहिए, ऑल एक्सेप्ट टू, ये इसी को गलत किया है। देखो मैं शुरू से कंफ्यूज किया था आपको कि वेंट्रल शकर जो होता है वो चिपकने के लिए होता है, चूसने के लिए टर्मिनल शकर होता है, तो ये गलत हो गया। सेस्टोडा प्रेजेंस ऑफ टेकोमेंट पॉक टेपोम, ट्रिमेटोडा प्रेजेंस ऑफ टू शकर्स ब्लड फ्लूकोम, ये गलत है, टर्बिलेरिया प्रेजेंस ऑफ रेप्टाइडिस प्लेनेरिया ये भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड गलत है, ऑल द अबव करेक्ट है, ट्रिमेटोडा प्रेजेंस ऑफ टू शकर्स ब्लड फ्लूक, इसमें तो लिवर फ्लूक आता है भाई, ब्लड फ्लूक नहीं आता, मुझे लग रहा है गलत है ये, ठीक है हो गया। आप ये सब तो मतलब नहीं है इसका, आई इन द कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिड्स द प्लेटिहेलमिन शो एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है क्योंकि तो इसमें सिलोम नहीं होता है, ठीक है आज इतना ही पढ़ते हैं, कल हम नेक्स्ट इसी के एक और स्लाइड बचा है उसको करेंगे, एक मिनट देख लो मैं कितने हैं उसमें, प्लेटिहेलमिन के क्वेश्चंस हैं करीब 18-20, ज्यादा ही हैं 22 क्वेश्चंस हैं, तो कल ही करते हैं और इसके बाद ये 2-3 दिन में खत्म हो पाएगा, एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा दिन भी ले सकता है, ठीक है कल मिलते हैं, थैंक यू, कल नहीं संडे के, कल संडे छुट्टी रहेगा, परसों मिलेंगे मंडे को।